तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज का टॉपिक वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मेरी कोड कंसेप्ट की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वर्क बुक पे का हैंडल किया जाता है, कोड वगैरह लिखा जाता है, तो आज उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता था। जब मैं ऑफिस में वर्क करता था तो एक सॉफ्टवेयर होता था जो कि मेरे डेटा को डाउनलोड करता था। बट प्रॉब्लम क्या था कि वो डेटा जस्ट कॉपी पेस्ट करता था और डेटा फाइल में स्ट्रैक नहीं कर पाता था। हमें जब उसको डाउनलोड करते थे तो एक लोकेशन में एक फाइल देनी देनी पड़ती थी। एक तो डिफॉल्ट लोकेशन होता था जहां से ऑटोमेटिक डिफॉल्ट लोकेशन डिफॉल्ट फाइल उठा लेता था, दूसरा हमें फाइल देना पड़ता था। तो सॉफ्ट सिस्टम की सेटिंग क्या था कि मान लीजिए कि आपको अगर फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको ड्राइव बता देना होता था। फिर ये आज जो है 2019 चल रहा है तो 2019 के फोल्डर में जाएगा, महीना 4 चल रहा है तो 4 के फोल्डर में जाएगा, डेट 4 है सॉरी 9 है तो 9 के फोल्डर में जाएगा और 9 का फाइल, 9 डेट का फाइल बना के उसको सेव कर देगा, उसमें डेटा सेव कर देगा। फाइल, उसको फाइल बना हुआ चाहिए। तो मैं मैनुअली बताऊं कि अगर मुझे, अगर उस सॉफ्टवेयर से फाइल डाउनलोड, डाटा डाउनलोड करना होगा तो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो मुझे 2019 का फोल्डर क्रिएट करना होगा, अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं। फिर इस 2019 के फोल्डर में मुझे क्रिएट करना होगा फोल्डर 4, मतलब कि चौथे महीने का, है तो ठीक है नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर मुझे आज का एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा 4 9, और फिर इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा आज के नाम से, तो इसमें डेटा डाउनलोड कर देगा। तो काम समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया सर? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर, प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा कि बाय डिफॉल्ट और डी ड्राइव में जाए और चेक करे कि 2019 का फोल्डर है या नहीं है, है तो ठीक है नहीं है तो बना दे। फिर 2019 के अंदर चेक करे कि 4 नाम का फोल्डर है कि नहीं है, है तो ठीक है नहीं है तो बना दे। फिर उसके अंदर 9 नाम का फोल्डर है तो ठीक है नहीं तो बना दे, और उसके अंदर फाइल को क्रिएट करे ताकि मेरा डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो। तो हर बार मुझे इस करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मैक्रो रन कर दूं और ऑटोमेटिकली बन जाए। तो चलिए इसके लिए हम मैक्रो लिखते हैं, ठीक है सर? तो ठीक। मैक्रो का यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप ध्यान देखिएगा, मैं मैक्रो का नाम आर आर जनरली जनरली देता हूँ, या आर आर /1 दे दिया। फिर मैं यहाँ पे हमारे पास एक हमें सबसे पहले निकालना होगा सिस्टम डेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू ईयर, और ईयर में मैं दे दूंगा डेट। आप बोलोगे सर वाई क्या है और ईयर क्या है। तो ईयर जो है आपका फॉर्मूला है, जैसे कि आपके पास टुडे का फॉर्मूला है, जो एक्सेल में डेट काम कर, यहाँ पे वीवीएम में जो डेट काम करता है वही एक्सेल में टुडे काम करता है, और ईयर क्या करता है, इसमें से ईयर को अलग करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 2019 है वो स्टोर कहाँ होगा। तो यहाँ स्टोर करने के लिए कोई लोकेशन देना पड़ेगा ना सर, चाहे रेंज A1 B1 C1 कोई। तो मैं रेंज A1 B1 C1 देकर एक वेरिएबल दे दिया, जैसे मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड ले लेते हो, उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। फिर यहाँ पे करता हूँ M इक्वल टू मंथ और इसमें डेट, और फिर D इक्वल टू डे और इसमें डेट। तो विशाल त्यागी जी, यहाँ हाँ पे जी, वाई जो है, एम जो है, डी है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है जो कि करेंट सिस्टम डेट से ईयर को, मंथ को, डे को निकाल के इसको अलग अलग पे स्टोर कर देगा, और ये हर दिन अलग अलग होगा। वो आपके कंप्यूटर डेट से, कंप्यूटर के जो सिस्टम डेट है उस सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। ये समझ में आ गया? ठीक
ठीक है। हाँ जी अब बात करते हैं फोल्डर। अगर किसी भी ड्राइव में फोल्डर बनाना है आपको तो क्या करना चाहिए, तो होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म mkdir। उसके बाद यहाँ पे आपको पाथ देना होता है कि कौन सा पाथ जनरेट करना है। तो जैसे मैंने 2019 कर दिया, राइट, तो लास्ट में जो नेम होगा उसमें जाके स्टोर करेगा। सर ये ऊपर आपने क्या ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्या? हाँ हाँ हाँ? हाँ और ये वेरिएबल तो हम डीम से शायद डिक्लेयर करते हैं ना, ये इसमें क्या फर्क है? डीम से हम डिक्लेयर करते हैं लेकिन जरूरी नहीं डीम देना, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट वो ऑटोमेटिकली वेरिएंट हो जाता है क्योंकि अभी तक आपको वेरिएबल पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए डिक्लेयर नहीं किया, वरना फिर पूछते थे इंटीजर लॉन्ग क्या है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिफाइन कर लिया। तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वेरिएंट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आगे क्लासेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका क्या यूज है। तो एम के हमने कर दिया mkdir और इसमें हमने 2019 डाल दिया। तो mkdir फॉर्मूला क्या करेगा कि डी ड्राइव के अंदर 2019 बनाए, मतलब कि जो लास्ट में होता है ना सर उसी को डिक्लेयर करता है। ये समझ में आया सर? सर अगर वो 2019 का वो डायरेक्टरी नहीं हो तो वो बना लेगा? हाँ सर, होगा तो क्या करेगा? अगर होगा तो एरर देगा क्योंकि एक नाम के दो डायरेक्टरी नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते। तो एरर को बाईपास कराने के लिए कल कोड बताया था ना आपको, याद है? ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, राइट। लेकिन मुझे 2019 ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम रेट से कनेक्ट करना है। 2019 मेरा स्टोर है वाई के ऊपर, तो यहां हम इसको कॉनकैटेनेट कर देते हैं वाई से। ठीक है, और इसी कोड को हम दो बार और दोहराते हैं कि वाई में एम, फिर इसी कोड को फिर दोहराते हैं और इसमें M के अंदर ये आपका D। मिसाल त्यागी जी, उपेश तोमर जी, समझ में आया जी? सर थोड़ा ये चीज मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही। मिसाल जी आपको नहीं समझ में आ रही है? हाँ सर। क्या दिक्कत है बताइए सर? या तो अभी शायद वो वेरिएबल अभी पढ़ा नहीं है तो शायद इस आप वेरिएबल को भूल जाइए। आप मैथमेटिक्स में यूज करते थे ना सर, मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते थे कि लेते थे? हाँ जी। एक्स इक्वल टू 100 कर दिया आपने, तो एक्स का मान क्या हो गया? 100 हो गया। हाँ जी। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई इक्वल टू ईयर डेट, तो वाई का मान क्या हो गया? 2019। समझ गए? ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स भी यूज करते थे वैसे यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब क्लियर है? हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए। हाँ जरूर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसी लिया, तो जो सिस्टम डेट होगा वो वाई माना जाएगा, जो ईयर होगा उसको वाई माना जाएगा, जो मंथ होगा वो डी माना जाएगा, और डे हो होगा मतलब मंथ को एम और डे को डी माना जाएगा। ठीक है ना, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर लीजिए कि वाई डीम एज ए सॉरी डीम वाई कॉमा एम कॉमा डी एज ए, आप कर दीजिए लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। अगर कंफ्यूजन होती है तो, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर? लॉन्ग इंटीजर का मतलब, लॉन्ग का मतलब क्या होता है सर? लॉन्ग हो गया बड़ा नंबर हो गया, इंटीजर हो गया 32,000 तक उसका कैपेसिटी होता है, इसलिए मैं ये चीज नहीं पढ़ा रहा था, फिर मुझे लॉन्ग इंटीजर सब पढ़ाना पड़ेगा, ये टॉपिक आगे की है। समझ गए विशाल त्यागी जी? हाँ जी। जिम का चक्कर छोड़ दिए सर, इसलिए मैंने इसको फिलहाल इग्नोर कर दिया। हाँ तो आप समझ लीजिए कि आप जस्ट लाइक इसको मैथमेटिक्स सीखिए, जो आपकी अलजेब्रा बनाते थे ना सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस उसी को समझ लीजिए कि आप अलजेब्रा बना रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे जो डी ड्राइव तो फिक्स है हमारा, बट ईयर फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग, और सिस्टम डेट है ईयर किसको दे रहा है, डेट को, डेट से ईयर पिक करके वाई पे स्टोर हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वाई दिया, और ऐसे ही हमने एम और ऐसे से डी दिया। अब बीच में स्लैश लगाना जरूरी था क्योंकि वो पाथ फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पाथ का फॉर्मेट दिख रहा है ना आप यहाँ पे अपने, हाँ जी, तो पाथ फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए हमने एन पर्सन से ज्वाइन किया है। एन पर्सन क्या करता है, दो टेक्स को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, मिसाल जाएगी जी, जी समझ में आया। अगर सुजीत और कुमार को दोनों को जोड़ना है तो एन पर्सन ये एक्सेल में भी वर्क करता है, और एक्सेल में भी आपको ज्वाइन करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। सुजीत लिखा हुआ है, कुमार लिखा हुआ है, अब इनको ज्वाइन करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे जैसे वाई था वैसे मैंने ई फाइव ले लिया, जैसे एम था ऐसे हमने यहाँ पे एफ फाइव ले लिया, लेकिन मुझके इसके बीच में स्पेस का सेपरेटर चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया एन परसेंट, और इसमें हमने सेपरेटर दे दिया, और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, और सेम सेपरेशन के लिए हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, फोल्डर क्रिएट कर लेगा। अब फोल्डर क्रिएट किया होना हो गया तो मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में आज के डेट की फाइल सेव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल सेव करने के लिए क्या लिखेंगे भूपेश तोमर जी, विशाल जी बताइए वन बाई वन। सर सेव करने के लिए मुझे इस लोकेशन में फाइल सेव करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करना है इस लोकेशन में, इसके लिए क्या कोड डालेंगे, वर्कशीट डॉट ऐड कर देंगे। पहले मैंने बताया है कि मुझे एक फाइल करना है, शीट नहीं सर, वर्कबुक डॉट क्रिएट हो जाएगा, वर्कबुक डॉट ऐड कर दो, क्रिएट नहीं होगा सर, आप लोग वर्कबुक डॉट ऐड, वर्कबुक डॉट ऐड, उसके बाद यस, ये तो फाइल कंट्रोल एन कर देगा, ये तो सिर्फ कंट्रोल एन कर देगा ना, डॉट सेव, हाँ डॉट सेव, याद आया आप लोगों को, सेव एज, हाँ अब नेम दे दो, नेम नहीं देना है, पूरा पाथ देना है, अच्छा जो कि ऊपर है, और पाथ के बाद फिर इसमें नेम देना है, नेम को ऐड करना है स्लैश लगा के, और नेम भी डी ही है, या फिर डेट, अगर डेट फॉर्मेट में चाहिए तो कल जो फॉर्मेट वाला डेट बताया था ना आपको मैंने, याद होगा, इसमें मैंने दे दिया डेट कॉमा डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई वाई, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, एन परसेंट डॉट एक्स एल एस एक्स, एक्सटेंशन भी तो देना पड़ेगा, हाँ जी, त्यागी जी समझ में आया, हाँ जी, आप लोगों का किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, नहीं सर, नहीं सर, अभी कोड हेलो अभी कंप्लीट है कि कोई और कोड डलेगा इसमें, हेलो सर, आप बोलिए, ये जो आपने नेम डाला है, नेम के बाद हम डायरेक्ट डॉट लगा के एक्सएलएस लिख देते हैं, इसमें आपने एंड क्यों लिखा है, बेसिकली जो नेम है ना आपका ये एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें टेक्स्ट ज्वाइन करना होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, हां 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 हां, अगर सिंपल नेम लिखता है 123 जैसे डॉट एक्सएलएस लिखेंगे इनवर्टेड कॉमा के अंदर में लिखाएगा ना सर, ठीक है, नहीं सर, अगर मैं नाम 123 लिख दूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना 123.xlsx, आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, यहां पे नाम फिक्स नहीं है, नाम डिपेंडेंट है, और फार्मूला से कैलकुलेट होके आ रहा है, ओके ठीक है, अब ये कोड कंप्लीट है, किसी कुछ और चाहिए, हो सकता है कि आज खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट हो गया सर, त्यागी जी क्या लग रहा है, कंप्लीट है कोड, नहीं सर एक इनवर्टेड कॉमा और आएगा, कहां इनवर्टेड कॉमा आएगा, नहीं लास्ट में, नहीं है इनवर्टेड कॉमा लास्ट में दिया हुआ, हमें जो सर, तो आपने शायद भूल गया, मैंने बताया जो वर्कबुक क्रिएट होता है वही एक्टिवेट होता है, तो मुझे उसको क्लोज भी तो करना होगा, तब तो फाइल क्रिएट होगी, तब तो डेटा डलेगी, वरना फाइल ओपन नहीं रहेगा,
एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, हाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, और लास्ट में क्या करेंगे, ट्रू ट्रू, ठीक है। अब आपका ये माइक्रो फाइनली बन गया, अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टेड आ गया, लेकिन ए माइक्रो दिन में एक ही बार चलेगा सर। अगर मैंने इसको दोबारा रन करने की कोशिश किया तो ए आएगा, क्या आ रहा है सर, मतलब ओवर रैपिंग करनी है नहीं करनी है? हाँ यस करना है तो यस, नो करना है। इसके लिए इसको आप ये नहीं कर सकते, इसका इसका इसको हटाने के लिए क्या बताया था कल मैंने, हेलो अरे छोटे लड़की बस हो गया था भूपेश त्यागी जी। सर ये आपने जो दिया हुआ है ऊपर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यही काम करेगा ना उसमें? नहीं, ये एरर नहीं ना है, ये अलर्ट है। देखिए एरर और अलर्ट में देखिए, एरर होगा तो आपका कोड डिबग एरर देगा, मतलब कि वहीं पे रुक जाएगा, और आपका वीवीए जो है एरर अलर्ट देगा, समझ गया ना? लेकिन ये जो अलर्ट दे रहा है ये आपका एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो एरर नहीं है। जैसे आप इस पर हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही जो ए आया, दिस इज नॉट ए एरर, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कि आपको रिप्लेस करनी है नहीं करना। अगर मैं इसको नो करता हूँ तब एरर होगा, यस करता हूँ तो रिप्लेस कर देगा। ओके तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था, आप लोग भूल रहे हैं, कल मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कि फाइल पहले से हो सकती है, उसको रिप्लेस करना है, तो आप उस फाइल को किल कर दो। ओके त्यागी जी, याद आया? हाँ जी सर, फाइल को किल करना है, किल करना है, किल मतलब डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करके फिर लिखना है। हाँ वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा, अगर नहीं होगा वो फाइल तो एरर देगा, तो एरर देगा तो फिर आपका ऑन रिज्यूम नेक्स्ट को बाईपास कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये हमने ये थोड़ा समझ नहीं आया, हमने क्यों लगाया ऑन एरर ऊपर रिज्यूम नेक्स्ट करके? अब देखिए एक कौन सवाल पूछ रहे हैं आप, नाम बताएं अदवास, हेलो किसने सवाल पूछा है सर? मैं विशाल। अच्छा विशाल जी, सॉरी सर आवाज से पहचाना नहीं, बताता हूँ आपको। देखिए आप अगर ऑन एरर रिज्यूम नहीं लगाएंगे तो इस माइक्रो को सिर्फ एक बार रन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं 2019 का फोल्डर, राइट? अब आप जानते हैं कि एक ड्राइव में चाहे एक फोल्डर में एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, हाँ जी डाल सकते हैं ना। तो जब जैसे ही पहला दिन आपने रन किया तो पहला दिन तो नहीं था, तो ये चला और आपका सब कुछ कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही फाइल रन करेंगे आपको सबसे पहले यही पे एरर आ जाएगा कि आपका 2019 ऑलरेडी है। जैसे देख लीजिए ना आप यहाँ पे, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा क्या दिया मैंने, इसको डेड कर दिया, मतलब कमेंट में कन्वर्ट कर दिया सिंगल कोट लगा के। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए पाथ फाइल एक्सेस एरर लिखिए आपको, और डिबग कीजिएगा तो एरर कहां जाएगा, यह एरर, क्यों? क्योंकि 2019 का फोल्डर ये नहीं क्रिएट कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, और हमें भी ऐसा करना है कि अगर क्रिएटेड है तो क्रिएट नहीं करना है, हमें भी ऐसा करना है, मतलब कि मुझे इस कोड को रन नहीं करना है। अगर फाइल अवेलेबल है तो मुझे इस कोड को रन ही नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट दे दिया कि भाई जिस लाइन में एरर आए उस लाइन को स्किप करके अगली लाइन पे चले, क्योंकि तो अगर ऐसा नहीं देंगे तो आपका माइक्रो वहीं पे रुक जाएगा, जहां एरर आएगा वहीं पे रुक जाएगा, उसके नीचे वाले फीचर्स को करेगा ही नहीं। तो एरर को स्किप करके आगे बढ़ जाए इसलिए हम लगाते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, रिज्यूम नेक्स्ट,
विशाल जी समझ में आया अब आपको? हाँ जी। डाउट तो नहीं है? नहीं सर, ये MKDIR क्या ये फाइल नेम है क्या ये? नहीं, MKDIR एक VBA का फॉर्मूला है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है ना, ऐसे VBA में फॉर्मूला है। MKDIR हो गया, किल हो गया, आपका फॉर्मेट हो गया, ये फंक्शंस है, फॉर्मूला है। जैसे MKDIR मतलब कि मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बनाना उसको डायरेक्टरी कहते हैं, MK से मेक हुआ, तो मेक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर क्रिएट करने का फंक्शन हुआ, उसमें जो पाथ डालोगे उस पाथ का फोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक। किल क्या है? किल एक फंक्शन है, मतलब कि फाइल को डिलीट करता है, किल से पता चलता है, मार देना मतलब फाइल डिलीट कर देना। तो यहाँ पे किल और जो पाथ देंगे उस पाथ की फाइल को डिलीट कर देगा, पहला चीज। दूसरा फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या करता है कि किसी भी नंबर और किसी भी डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि आप कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग में आप कोड डालते हैं वो कोड अगर आप फॉर्मेट में डालेंगे तो उस तरह की फॉर्मेट दिखाएगा। और यहां पे हमने फॉर्मेट का फॉर्मूला क्यों लगाया, मैंने डायरेक्ट डेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें स्लैशेस आते हैं। स्लैशेस आते हैं तो स्लैश जो है, जो स्लैश होता है ना, वो बैक स्लैश, वो आपका फाइल नेम में एक्सेप्ट नहीं करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। और डेट जो आपको सिस्टम जो डिफॉल्ट डेट देता है वो स्लैश के फॉर्मेट में ही देता है, तो जिस कारण से मुझे स्लैश के फॉर्मेट को कन्वर्ट करना था डैश के फॉर्मेट में, इसलिए हमने यहां पे फॉर्मेट लगाया। और किसी को कोई डाउट? डेट में फोल्डर नहीं क्रिएट करना है तो लगाने का, फॉर्मेट लगाने का जरूरत कोई नहीं है। हाँ, डेट में नहीं करना है तो फॉर्मेट मत लगाइए। विशाल जी, भूपेश जी, रक्षित जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर। तो आप इस प्रोजेक्ट को आप खुद से कीजिए, ठीक है ना, डिफरेंट नेम जगह पे फाइल दीजिए, कुछ इस पे और रिसर्च करके कुछ और चीज ऐड कीजिए। आप बोलेंगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, आगे चल के आपको फोल्डर बना के उसमें फाइल डालना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि एक डेटाबेस है आपका, मान लीजिए ना कि आप एक बिल बना रहे हैं, या मैं कह दूं कि मैं एक हर महीने एक सैलरी स्लिप पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं मेलिंग करने के लिए, समझ गए कि हमारे एक्सेल में पूरा सैलरी स्लिप का पूरा फॉर्मेट डला हुआ है, हमें वन बाय वन, मेरे 1500 स्टाफ है, वन बाय वन एम्प्लॉय को डालता हूं और उसको सेव एज पीडीएफ कर देता हूं। तो सेव एज पीडीएफ करने के लिए मुझे एक लोकेशन में जहां पीडीएफ सेव हो एक फोल्डर हर महीने बनाना होता है कि जैन सैलरी स्लिप फोल्डर, फैब सैलरी स्लिप फोल्डर, तो हर महीने फोल्डर आपको बनाना मैनुअल बनाना पड़ेगा, जो आप इसके अंदर कोड डाल दो, क्योंकि कोड डाल दिया ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फिर आगे आप सीखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फाइल को सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। जैसे कि सेव एज आपने यहाँ पे एक्सेलेस किया है ना, ऐसे इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। पीडीएफ में सेव करने का कोड आप रिकॉर्डिंग माइक्रो से देख सकते हो, ठीक है ना सर। तो माइक्रो रन होते ही आपका फाइल सेव एज पीडीएफ हो जाएगा और उसी चीज को लूप में डाल देंगे तो आपकी 1500 को एक सेकेंड में आपको सेव एज पीडीएफ कर देगा, लेकिन उसमें आपको फोल्डर क्रिएट करना जरूरत पड़ेगा ना सर। वो पीडीएफ का भी एक्सटेंशन पीडीएफ होना चाहिए सर? नहीं, एक्सटेंशन नहीं सर, वो दूसरा तरीका है, फिर इस तरीके से नहीं करता है वो, एक्सपोर्ट तरीके से करता है, एक्सपोर्ट होता है वो। रिकॉर्डिंग माइक्रो रिकॉर्ड करके आप सेव एज पीडीएफ कीजिएगा, आपको उसको कोड मिल जाएगा, सिंपल कोड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्सेल में रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा सर। हाँ, ठीक है। इस माइक्रो को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कीजिए, कल हम आपके साथ फिर सीट्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर एक क्लास, एक दो क्लास के बाद इसी तरीके से आपको एक लाइव प्रोजेक्ट कराऊंगा जो कि आपकी ऑफिशियल एनवायरनमेंट से हुआ होगा। अब क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे हम सीखेंगे, आज हमने फोल्डर एंड फाइल क्रिएशन सीखा क्योंकि हर माइक्रो में जरूरत पड़ती है। अब जरूरी नहीं कि फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन ही हमें जरूरत पड़ती है, हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं उसमें फाइल फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
समझ गया ना? ठीक है विशाल त्यागी जी एंड उपेश जी, ठीक है तो इसको आप यूज कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके ओके बाय।